इन आदिवासी महापुरुषों को कितना जानते हैं आप? दोस्तों, आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी। इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी लगभग 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। आदिवासियों में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने भारत देश को एक नई राह दिखलाई। आइए दोस्तों, आज हम भारत के आदिवासियों के 5 महापुरुषों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, भगवान बिरसा मुंडा। आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में मुंडा जनजाति के पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा के घर उलिहातू गांव में हुआ। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड में निवास करते थे। बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 को सभी मुंडा नेताओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफ कराने के लिए आंदोलन किया। 1897 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी किनारे मुंडाओं ने पहली बार अंग्रेजों को युद्ध में हरा दिया। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया। बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 के बीच चला उल गुलान विद्रोह बेहद चर्चित रहा। उन्हें धरती आबा व भगवान कहा गया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। नंबर 2, तिलका मांझी। अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम आदिवासियों ने विद्रोह किया और उनके नेता तिलक मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। 1771 से 1784 तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजी शासकों के नींद उड़ाई रखी। तिलका मांझी ने 1778 ईस्वी में पहाड़ी सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप को मुक्त कराया। 1784 में उन्होंने क्लीवलैंड को मार दिया। बाद में उनके गुरिल्ला सिपाहियों पर अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि तिलका मांझी को 4 घोड़े से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, पर मिलों घसीटे जाने के बावजूद वह लड़ाका जीवित था। खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्सेल थे और उनकी आंखें ब्रितानियों को डरा रही थी। अंग्रेजों ने भागलपुर चौराहे पर एक विशाल वटवृक्ष पर सरेआम लटकाकर उनकी जान ले ली। नंबर 3, टट्या भील। इंडियन रॉबिनहुड नाम से पूरे भारत में विख्यात महान स्वतंत्रता सेनानी टट्या भील का जन्म 1842 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। इनका वास्तविक नाम टंडरा था। वे 1878 से 1890 के बीच भारत में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1818 में मराठा शासन के बाद सतपुड़ा के बहादुर भीलों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। टट्या भील गुरिल्ला युद्ध नीति में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि टट्या जी भील में अलौकिक शक्तियाँ थी। कहते हैं कि वे ब्रिटिशों को लूटकर गरीबों में धन बांट दिया करते थे। उनकी पहुंच वर्तमान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक थे। टट्या जी भील को सभी लोग मामा कहकर पुकारते थे। 4 दिसंबर 1890 को जबलपुर जेल में टट्या जी भील को फांसी दी गई। उनका मंदिर पातालपानी में स्थित है। नंबर 4, राणा पूंजा। लेखक नैन्सी के अनुसार पनारवा में भील राजा राणा दयालदास का शासन था। 1990 में प्रकाशित महाराणा प्रताप एंड हिज टाइम्स पुस्तक के अनुसार पनारवा ठिकाने के भील राजा राणा हरपाल के पोते राणा पूंजा थे। राणा पूंजा का जन्म दुदा होलंकी और माता केहरीबाई के यहाँ हुआ। राणा पूंजा भोमट पनारवा के शासक थे। जब मेवाड़ पर मुगलों का संकट उभरा तब महाराणा प्रताप ने राणा पूंजा जी को याद किया। राणा पूंजा जी के पास मेवाड़ और मुगल दोनों ही सहायता प्राप्त करने आए थे। तब राणा पूंजा ने मेवाड़ का साथ दिया। भील सरदार राणा पूंजा के ही सहयोग के कारण मेवाड़ सुरक्षित रहा। नंबर 5, वीर कुंवर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद के रूप में जाने जाने वाले वीर नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के सोनाखाना में 1795 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाराय था। इनके पूर्वजों के पास 300 गांवों की जमींदारी थी। 1856 के अकाल के समय भी अंग्रेजों और साहूकारों के अवैध जमाखोरों से अनाज लूटकर भूखी गरीब जनता को बांट देते थे। इस कारण 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उनके घोड़े का नाम कबरा था। उन्होंने 500 लोगों की एक बंदूकधारी सेना बनाई थी। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी थी।